दिल्ली महानगर पालिका यानी MCD के चुनाव में आपने परचम लहराया, जिसके चलते मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बार BMC में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उधर कर्नाटक बेलगाम विवाद में संजय राउत का विवादित बयान आया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे पर गंभीर आरोप लगाया। इसके अलावा देश के लिए प्याज 70% आपूर्ति करने वाले नासिक और येवला जिले में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए मशीन के जरिए प्याज बोने का काम किया जा रहा है। इसके दो फायदे, एक तो प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है, वही मजदूरों की कमी को इस मशीन ने पूरा कर दिया है। पनवेल में एक ज्वेलर्स की दुकान पर सोना लूटने के लिए मिर्च पाउडर उड़ाया गया, लेकिन इसी बीच व्यापारी ने शोर मचाया तो लुटेरे भाग गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। उधर महाराष्ट्र के जलगांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दिल्ली MCD चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी मतों से विजय मिलने के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जश्न मनाया गया। आम आदमी पार्टी के मुंबई स्थित दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि MCD की तर्ज पर आम आदमी पार्टी BMC में भी झाड़ू फेरने में कामयाब होगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मशीन से प्याज लगाने की विधि को किसान खूब पसंद कर रहे हैं। मजदूरों की कमी और महंगी हो रही मजदूरों को ध्यान में रखते हुए मशीन से प्याज बोना काफी आसान और किफायती साबित हो रहा है। येवला नासिक तालुका में किसान मशीन से प्याज की बुआई कर रहे हैं। इसके अलावा मशीन से प्याज की बुआई करने से जितनी जगह में 200 क्विंटल प्याज उगती है, उतनी जगह में अब 350 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। यामध्ये असा फायदा आहे की हे जे आपण बेड पद्धतीने लागवड करीत आहोत, याचे दोन पद्धती आहेत लागवड करायचे, एक वाफा पद्धत आणि एक बेड पद्धत। आता ही जी लागवड आहे आपण ही बेड पद्धतीने करत आहोत, आणि याला जर पाणी द्यायचं असेल तर आपल्याला इनलाईन पद्धतीने द्यावं लागेल किंवा आपल्याला स्प्रिंकलरने द्यावं लागेल, जे आपण आता सध्या देत आहोत। स्प्रिंकलर चालू आहे आणि याच्यात पाण्याची बचत झाल्यामुळं आपल्याला जर 2 एकर क्षेत्र लावायचं आप लागवडीसाठी आपल्याकडे पाणी असेल तर आपण 4 एकर क्षेत्र त्याच्यासाठी वाढू शकतो। आपण दुप्पट क्षेत्र आपण पाणी वाचवल्यामुळे ते आपण वाढू शकतो आणि त्याचा निश्चितच आपल्याला फायदा होईल। महाराष्ट्र के जलगाव में एक नाबालिग से बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना जिले के जामनेर तालुका में एक 15 साल की लड़की के साथ हुई। इस मामले में पुलिस ने गणेश भील नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की जाँच की जा रही है। मिळालेली असून त्यामध्ये पोस्को विथ 176 कलम ती वार करण्यात आली आहे। त्यामध्ये आरोपीसुद्धा आपण अटक केला असून दुसऱ्या मुलीचा आम्ही शोध घेत आहोत। मी आपल्या या माध्यमातून सर्व जनतेस आवाहन करू इच्छितो की आपल्या मुलीला मोबाईल मर्यादित स्वरूपात द्यावा, त्यांच्या हाताला लक्ष द्यावे, त्यांच्या मित्रमैत्रिणी कोण आहेत याबाबत दक्षता घ्यावी आणि अशा प्रकारचा प्रसंग येऊ नये म्हणून मुलांना समजून घेऊन त्यांच्याशी संपर्क ठेवावा। कर्नाटक बेलगाम मुद्दे पर संजय राउत ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए शिवसेना के दो टुकड़े करने की साजिश का करार दिया है। राउत यही नहीं रखे, उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी नामर्द मुख्यमंत्री कहा है। राउत ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व में हम बेलगाम जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो अचानक क्या हुआ, इतने सालों तक कभी किसी की कोई हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक इस तरह से मुद्दे कमजोर सरकार के चलते उठ रहे हैं। डेफिनेटली अगर केंद्र की मंशा नहीं होती तो नहीं होता। कर्नाटक में किसके मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? BJP की सरकार है। आपको समझता नहीं क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? पहले कभी नहीं हुआ था, अचानक कैसे हो गया ये? पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने सोलापुर और सांगली पे दावा नहीं बोला था, ये पहली बार हो रहा है। जरूर हमारा एक बॉर्डर डिस्प्यूट है 50 साल से, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। अगर केंद्र अपने आप को ताकतवान मानता है, मैं तो मानता हूँ केंद्र हमारा बाप है, ये फेडरल सिस्टम है, तो आपकी जिम्मेदारी है आपके मुख्यमंत्री को रोकने की। आप उसको रोकते क्यों नहीं? कौन है बोम्बई? ये बोम्बई भी कांग्रेस से आया हुआ आदमी, बाहर का, एक BJP का ओरिजिनल आदमी नहीं है। जैसे यहाँ भी मुख्यमंत्री ओरिजिनल नहीं है, सबको हमारे खिलाफ उनके कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के ऊपर गोलीबारी चल रही है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का यह महाराष्ट्र है, ध्यान रखिए। नामर्द वापस बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, लाचार सरकार है ये। मुंबई से सटे पनवेल इलाके में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहाँ स्थित एक गोल्ड दुकान में व्यापारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर सोने की दुकान लूटने की कोशिश की गई। यहाँ गोल्ड खरीदने के बहाने दो अज्ञात युवकों ने व्यापारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर गोल्ड का बॉक्स लूटने की कोशिश की। इस मामले में आरोपी द्वारा दुकान की रेकी करने और भागने की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पूरे मामले की जाँच में पनवेल पुलिस जुट गई है।